नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7, 8 और 9 अप्रैल के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आए दोस्तों, बात करते हैं यशमी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यशमी आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यशमी आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन्हें सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन को और भी बेहतर बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यशमय के ग्रहों की स्थिति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 7 अप्रैल की बात करें तो बुधवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और घनिष्ठा नाम का नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो दोस्तों इन दिन शादी नाम क्योंकि बाद शुभ नाम का योग रहने वाले हैं। राहु काल का समय सुबह के दोपहर के 12:29 से लेकर दोपहर के 2:02 रहेगा। दोस्तों राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें और चंद्रमा मकर के उपरांत दिन कुंभ में संचार करेंगे। 8 अप्रैल की बात करें तो गुरुवार का दिन होगा, शादी इस दिन का द्वादशी तिथि रहेगी और शतभिषा नाम का नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें शुक्ल नाम का योग रहेगा। राहु काल का समय दोपहर के 2:02 से लेकर शाम के 3:35 रहेगा और चंद्रमा दिन कुंभ राशि पर ही संचार करने वाले हैं। अगले दिन की बात करें तो दोस्तों शुक्रवार का दिन रहेगा और त्रयोदशी तिथि रहेगी और पूर्व भाद्रपदा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। शुक्ल नाम के योग के बाद इस दिन ब्रह्म नाम का योग रहने वाले हैं जो कि बहुत ही लाभकारी रहेंगे, बशर्ते सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। राहु काल का समय सुबह के 10:55 से लेकर दोपहर के 12:28 रहेगा और चंद्रमा दिन कुंभ के उपरांत मीन में संचार करने वाले हैं। तो आए दोस्तों अब बात करते हैं इन तीन दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा के ये बदलाव आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय उमंग, सच्ची आध्यात्मिकता, बौद्धिक और नैतिक विकास का समय होगा। पिछले महीने आपके जीवन में जो है कई उतार चढ़ाव आए थे और दोस्तों यह समय आपको अपने अस्थायी मूल्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों याद रखें, आशीर्वाद चेतना और विवेक का परिणाम है जो आध्यात्मिकता और विश्वास से मिलता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों सहजता और जोखिम लेने की इच्छा आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, यह बहुत ही चंचल अवधि है जब आप रचनात्मक और भावनात्मक रूप से प्रेरित होंगे। ये जो समय होंगे अब आप जीवन में जोखिम लेने के इच्छुक होंगे। इन दिनों में जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए क्योंकि ये या किसी खतरे या फिर दुर्घटना का कारण बन सकता है। साथ ही दोस्तों इन दिनों में आपके लिए अपनी योग्यता पर भरोसा रखने का समय होगा। आपके सामने कुछ चुनौतियाँ इन दिनों में आ सकती है जो थोड़ी मुश्किलें पैदा करेंगी, लेकिन आप कामों को परिणामों को लेकर जो है निश्चित रह सकते हैं। आपके लिए ये जो दिन होंगे अपनी जो है पूरी ऊर्जा को सकारात्मक बातों में लगाने और उसका पूरा उपयोग करने में लगाएंगे। आपको ज़्यादा देर जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर काम करने से इसमें बचना होगा। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपके करियर के मामले में, काम के मामले में दिन तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिना तनाव जो है काम को आप पूरे कर सकते हैं, इसका जो है संकेत मिल रहा है। आपकी क्षमताएँ और गुण परे आकर्षण में है और आप लंबे समय से अटके कार्यों को जो है इन दिनों में पूरा करने में सफल होंगे। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय आपके या फिर आपके पार्टनर को इस समय प्रभावित करेंगे। आपके और आपके साथी को भी जो है अभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपके प्यार को जो है आजमाया जा रहा है। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, आप जो है अपने साथी के साथ किसी मांगलिक आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में इस हिस्सा का आपको जो है मौका मिलेगा, तो आप इनमें जरूर सहभागिता करें। साथ ही दोस्तों इसमें अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपके लिए ये जो दिन है आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। आप खुद में ऊर्जा का प्रवाह जो इन दिनों में महसूस करेंगे। दोस्तों इसमें आपका आरोग्य अच्छा रहेगा और आप जो है अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा सतर्क रहेंगे। दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली अंक रहेगा 5 और भाग्यशाली रंग रहेगा हरा। वही दोस्तों यशमी गणेश जी कहते हैं कि आपकी कठोर वाणी किसी की भावनाओं को आहत करेंगी,
इसका कारण उस व्यक्ति के प्रति आपकी ईर्ष्या जो है हो सकती है, जबकि बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। और दोस्तों इन दिनों के शाम का समय में शायद जो है उसके लिए क्षमा भी आप मांगेंगे। दोस्तों इन दिनों में सायंकाल के बाद निराशा के बादल जो है समाप्त होते हुए प्रतीत होंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमी ऑफिस में आपका उत्साह जो आपके रूटीन के काम को आसानी से पूरा करने में आपकी मदद करेंगी। हालांकि आप लंच के बाद जो है ऊब महसूस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों शाम को आप जो है और अधिक चुनौतियां लेने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि दोस्तों आपको जटिल चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, बल्कि गणेश जी कहते हैं कि ये जो समय होंगे आपके लिए ऐसे काम करने से आपके लिए बेहतर होगा जिन्हें आप पूरा जो है आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों यह समय अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आप रोमांटिक कनेक्शन के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप पहले से किसी के साथ रिश्ते में हैं तो इसके विकसित होने की इन दिनों में पूरी उम्मीद है। इस तरह दोस्तों गणेश जी आपको ये जो दिन है आपके पारिवारिक जीवन के लिए सकारात्मक होने की भविष्यवाणी करते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आप उचित संसाधन खोजने में सक्षम होंगे जो आपको पैसा दिला सकते हैं और जो आपके प्रोजेक्ट में आपकी जो है सहायता कर सकते हैं। इन दिनों में आप सही समय पर सही लोगों से मिलने वाले हैं और आप सही अवसर का जो है लाभ उठा पाएंगे। साथ ही दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आपका उत्साह इन दिनों में बना रहेगा, लेकिन आपको अपने जोश को जो है कुछ क्रिएटिव कामों में बदलने की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा क्रोध आपके मूड और दिन दोनों को खराब कर सकता है। घर पर दोस्तों जिम या फिर शारीरिक व्यायाम शुरू करने के लिए ये जो इन दिनों में दिन होंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। दोस्तों यश में आप जो है धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास जो है आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। दोस्तों इन दिनों में दिन शुरुआत में भले ही अच्छे हो, लेकिन शाम के बाद जो समय होगा आपके लिए किसी की वजह से आपका धन खर्च हो सकता है जिससे आप परेशान होंगे। दोस्तों इन दिनों में आपको अपने जीवन साथी का सेहत और तनाव जो है चिंता का कारण बना सकती है। दोस्तों प्यार की ताकत आपको प्यार करने की वजह देती है। आपका दिमाग कामकाज की उलझनों में फंसा रहेगा जिसके चलते आप परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही दोस्तों यश में आप महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते समय जो है अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने शब्दों को जो है गौर से सुने। जीवन साथी के साथ इन दिनों में थोड़ा हंसी मजाक थोड़ी छेड़छाड़ आपको जो है किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। दोस्तों यश में हरे रंग की बोतल में गंगाजल भरकर किसी पीपल के पेड़ के पास जो है दबाने से फैमिली लाइफ जो है अच्छी रहेगी, तो आप इन्हें जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण टोटके के बारे में। दोस्तों पदोन्नति हेतु आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों शुक्ल पक्ष के सोमवार को सिद्धि योग में 3 गोमती चक्र चांदी के तार में एक साथ बांधें और उन्हें हर समय अपने साथ रखें। पदोन्नति के साथ साथ व्यवसाय में भी इनसे लाभ होगा। साथ ही दोस्तों मुकदमे में विजय हेतु आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों 5 गोमती चक्र जेब में रखकर कोर्ट में जाया करें। दोस्तों मुकदमे में जो है निर्णय आपके पक्ष में होगा। तो दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।